सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द बिटकॉइन बर्नर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप के बारे में, जानेंगे क्या न्यूज़ निकल के आई है पास्ट 24 आवर्स में, प्लस करेंगे कुछ प्राइस एनालिसिस और देखेंगे हम फ्यूचर में मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करूंगा। एंड यस यार, वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना। एंड यस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। हम 15K के बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ 15K करा दो यार इस मंथ से पहले। सो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं सीधा शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप, एक सेकंड हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जो वैल्यू है 1.58 ट्रिलियन डॉलर्स है एंड हमको 20.47% से इंक्रीज देखने को मिल रहा है ओवर लास्ट डे से, जो कि एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप पेशेंस से काम लेंगे तो आपको डे बाय डे मार्केट धीरे धीरे स्टेबल होती दिखेगी, भले ही अभी उतनी स्टेबल नहीं है, बट येस हमको ये 20% का जो इंक्रीज़ है ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। बिटकॉइन का प्राइस 38,000 तक पहुँच चुका है। आप देख सकते हो एथेरियम 2,400 डॉलर्स के ऊपर है एंड बाइनेंस कॉइन भी 300 डॉलर्स के ऊपर हो गया है। एंड हम देख सकते हैं डोज 33 सेंट्स, XRP 86 सेंट्स हो गया है। एंड हमको ऐसे जो हैं प्रोजेक्ट्स काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहे हैं। बिटकॉइन 15% से अप है, एथेरियम 26% से अप है। अगर अब हम बात करें तो आगे जो टॉप गेनर्स हैं उसमें हम पॉलीगॉन मैटिक देख रहे हैं, जो कि 1.50 सेंट्स चल रहा है, जो कि 80% से अप है लास्ट 24 आवर्स में। एंड अगर किसी ने हमारी कल वाली और उससे डे बिफोर यस्टरडे वाली मैटिक की वीडियो देखी होगी तो वो बहुत प्रॉफिट में होगा, क्योंकि उसने हमने बताया था कि जो मैटिक है वो कैसे बहुत आगे लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंटेंडर है जो कि अपराइज करेगा। एंड आप देख सकते हो मेकर, हारमनी एंड ये सारे कॉइन्स टॉप गेनर्स हैं। टॉप लूजर्स की बात करें तो हमको कोई खास लूज़र देखने को मिल नहीं रहा, मोस्टली कॉइन्स ऊपर हैं और ये सारे स्टेबल कॉइन्स हैं। वापस अगर हम चलते हैं बिटकॉइन की बात करते हैं, तो हमको बिटकॉइन अगर मैं प्राइस रिफ्रेश कर दूँ तो हमको 38,114 देखने को मिलता है एंड 15% से अप है, जिसमें हमको मार्केट कैप भी 15% से अप देखने को मिल रहा है, प्लस जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 36.95% से अप देखने को मिल रही है। लास्ट 7 डेज़ की अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया था। अगर हम देखें लास्ट हमको ये 22 मई को यहाँ के, उसके बाद ये 23rd कल ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी लो हो गया था, बट अब हमको एक राइज फिर से देखने को मिल रहा है ट्रेड वॉल्यूम में। एंड अगर हम देखें तो BTC की सबसे पॉजिटिव बात ये है कि BTC की डोमिनेंस हमको यहाँ पे 45 शो हो रही है, 45 के अबव है। एंड ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट में बिटकॉइन किंग है और जैसे जैसे इसकी डोमिनेंस बढ़ती है इसका मतलब जो है ये है कि जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स है इस पर डिपेंड करते हैं, मार्केट इसके अकॉर्डिंगली ही राइज करेगी। सो हमको देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 45.1 है अभी, एट द रेट इसने रिफ्रेश नहीं किया 46.55% चल रही है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इसके मार्केट का रेजिस्टेंस के बारे में एंड चार्ट की बात करें, तो मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप में चार्ट शेयर किया था, तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कहीं सर्च सर्च मत करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ज्वाइन करना। तो मैंने कल मार्क किया था उसमें, आज मैंने तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट लेवल मेरे को दिख रहा है वो 29,116 दिख रहा है, जो फर्स्ट मेरे को सपोर्ट नीचे देखने को मिल रहा था। एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर हम ये देखो वन डे चार्ट की बात करें, तो मैंने ये मार्क किया था फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 38,878 पे था एंड उसने कोशिश किया उसको ब्रेक करने का, बट ये अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। ये वन डे चार्ट है, अगर हम 4 डे चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हो ये जो मेरी फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करने की इसने कोशिश की, बट अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। लेट्स सी, अगर हमको एक अपस्विंग देखने को मिलता है, अच्छी जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम इस पर देखने को मिलती है, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, तो हम ज़रूर देख सकते हैं हमको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 38,878 है, सेकंड जो मैंने देखा था वो है 40,000 डॉलर्स के अबव, एंड जो थर्ड जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल हमको देखने को मिलेगी वो 42,500 के ऊपर मिलेगी, जो मैंने मार्क किया 42,543 है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट यस फिर भी अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एंड हमको देखने को मिल सकता है अगर एक अप ट्रेंड, और RSI की वैल्यू आप देख सकते हो अभी 51 चल रही है यहाँ पे 51। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर RSI की वैल्यू 30 के बिलो होती है तो एक मार्केट में ओवर सेलिंग चल रही है, और हमने पिछले दिनों में बिटकॉइन को ओवर सेल होते हुए देखा, और RSI 50-60 न्यूट्रल होती है, मतलब जितनी बाइंग हो रही है उतनी ही सेलिंग हो रही है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है BTC के लिए। अगर मैं आपको टेक्निकल्स की बात करूँ तो टेक्निकल्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमको लास्ट वन डे चार्ट पे स्ट्रॉन्ग सेल एंड समरी सेल देखने को मिल रही है, मार्केट में सेल सिग्नल है, बट ये अभी थोड़ी देर पहले से आज के दिन में हमको देखने को मिल रहा है कि 4 आवर चार्ट पे जो है ये न्यूट्रल हो गया है, 1 आवर चार्ट में हमको स्ट्रॉन्ग बाय, मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय सजेस्ट कर रही है और मार्केट में बाय चल रहा है बिटकॉइन के रिलेटेड। 15 मिनट चार्ट में हमको देख सकते हो आप बाय देखने को फिर से मिल रहा है, 5 मिनट्स पे भी हमको स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिल रहा है एंड 1 मिनट पे भी हमको बाय देखने को मिल रहा है। सो इससे पता हमको लग रहा है कि जो बिटकॉइन है उसमें अब बाइंग हो रही है एंड जो इन्वेस्टर्स हैं फिर से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मार्केट ट्रेड वॉल्यूम बन रहा है अच्छा, मतलब इतना खास नहीं बट हाँ फिर भी देखा जाए तो हमको मार्केट में बिटकॉइन पर इन्वेस्टमेंट होती दिख रही है। तो यही कुछ चीज़ें थी, और बिटकॉइन आप देख ही सकते हो कि वॉलेटिलिटी पिछले कुछ टाइम से, मैं बिटकॉइन को एनालाइज कर रहा था, इसकी जो वॉलेटाइल है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है BTC,
एंड कंपेरेटिवली आप देख सकते हो लास्ट 30 डेज से इस टाइम बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, 150%, 15 डेज से 150% से अप है, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो चुका है। और हमने पिछले में देखा कि बिटकॉइन की जो कंपैरिजन है ओवर ट्रेडिशनल एसेट्स बहुत मार्जिन से ऊपर चल रही थी, बट हमने इसको रिसेंटली डिप पे देखा है एंड इसका कंपैरिजन नियर अबाउट गोल्ड की तरह आ गया है। तो हम देख सकते हैं कैसे बिटकॉइन की वैल्यू इतनी लो हो गई है एंड जो US में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है एंड ये सारा जो सीन चल रहा है इन्फ्लेशन का, वो आज हमने मॉर्निंग की वीडियो XRP में कवर किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके ज़रूर चेकआउट करें। एंड ये है सारा हाल BTC का जो अभी चल रहा है मार्केट में, एंड हमको एक बाइंग देखने को अभी तक तो मिल रही है। लेट्स सी, पॉजिटिव में रहे तो हमको एक बिटकॉइन में अपस्विंग देखने को मिल सकता है और हमारी ओवरऑल मार्केट ग्रीन धीरे धीरे स्टेबलाइज। मैंने आपको कल भी हमने कल की वीडियो में भी बात की कि बिटकॉइन की जो ये टोटल क्रिप्टो मार्केट है, बिटकॉइन ही नहीं सिर्फ टोटल क्रिप्टो मार्केट है, इसको स्टेबलाइज होने में टाइम लग सकता है। इसको 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी, 2 महीने भी लग सकते हैं। तो जो लोग इस मार्केट को पेशेंसली पेशेंटली इसको पास कर लेंगे, डिप्स पे बाय करते रहेंगे, वो ज़रूर 2-3 महीने बाद बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट में होने वाले हैं, ये मेरा पक्का आई थिंक दावा है। और आपको भी पता है कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स देती ही देती है, प्लस जैसे जैसे मार्केट रिकवर होती जाएगी हमको मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिलेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। सो यही सीन चल रहा है मार्केट में। तो आप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सब पॉजिटिव में रहिए, मार्केट स्टेबल होगा। हमको डिप अगर देखने को मिले भी, जिन्होंने लोअर पे बाय किया, अगर वो हाई इसके पहुंचने पे रेजिस्टेंसेस पे इसको सेल ऑफ कर भी देते हैं, तब भी हमको एक बाउंस बैक ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर पॉजिटिव में रहें, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप अपना पैसा निकाल के आप कर सकते हैं, ऐसे आपकी मर्जी है। आप सबको पता है हमको फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं, बस हमारा मकसद है और हमारा है कि हम आपको सारी न्यूज़ अपडेट सारी आपको जल्द से जल्द ला के देते रहें। सो यही था सारा BTC का अपडेट और मार्केट का एक मेजर अपडेट। अगर हम अब बात करें न्यूज़ की, तो जो सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है, तो रैपल मीक मिल रहा है, उन्होंने प्लान किया है कि वो अब शीप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आफ्टर बिटकॉइन और डोजकॉइन। अब मेरे को नहीं पता वो शीप पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं कंसिडर करता हूँ और मोस्टली आप सब भी कंसिडर करते होंगे। कई लोग बहुत हक में हैं शीप के, मैं अब इसको शिट कॉइन वगैरह बोल दूंगा तो फिर मेरे को गंदे कमेंट्स आएंगे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमको इतना प्रॉफिट दिया है। बट अगर आप टेक्निकली और फंडामेंटली बात करें तो शिबा इनू की कोई सेंस नहीं है इस क्रिप्टो मार्केट में। जस्ट एक कह सकते हो ट्वीट्स पे चलने वाला कॉइन है, सपोर्ट पे चलने वाला कॉइन है, और एकदम अगर इसके बारे में कोई इन्वेस्टमेंट होने लग जाए वो है। तो मीक मिल ने इस पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, एंड हमको पहले भी देखने को मिला है कि जो रैपर्स हैं वो उनको क्रिप्टो से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होने लग गए। हमने पिछले कुछ टाइम पहले देखा था कि हमको स्नूप डॉग भी देखने को मिले थे जिन्होंने डोजकॉइन में इन्वेस्टमेंट की। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड के लोग हैं जो कि अब क्रिप्टोस में खुद को ऐड ऑन कर रहे हैं एंड ट्वीट कर देते हैं, जिससे प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। सो ये चीज़ें आप मार्केट में देख ही सकते हैं, आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। अगर हम अब अगली न्यूज़ की बात करें, तो मैंने कल भी एक चीज़ कवर की थी, तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का क्रिप्टो मार्केट में क्रैश हुआ। आप सबको पता है 2.5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर हो गया था क्रिप्टो मार्केट एंड उसके बाद हमको क्रैश देखने को मिला। तो जो आपको मैंने कल भी बताया, जो गोल्डमैन सैंड्स है उन्होंने ये बोला है कि एक दिन आएगा जब इथेरियम ओवरटेक कर जाएगा बिटकॉइन को एज अ डोमिनेंट स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि बिटकॉइन से हाई इथेरियम को वो रेट करते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर हमें हमको इथेरियम ज़रूर बिटकॉइन को भी सरपास करता दिखेगा क्रिप्टो मार्केट कैप में और एज पर डोमिनेंस भी। सो काफ़ी बड़ा रिमार्क है एंड येस, अगर हम देखें लॉन्गर टर्म में, हम सब कह रहे हैं कि इथेरियम 2.0 आने के बाद बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत चेंजेस हो जाएंगे, बट लेट्स सी वो कैसे वर्क करता है। बट हाँ, ये ज़रूर श्योरिटी है कि आने वाले कुछ सालों में और आने वाले कुछ पीरियड में हमको ज़रूर देखने को मिलेगा कि जो इथेरियम है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर निकल के आएगा मार्केट में। सो एक अपडेट तो ये निकल के आ रही है। अगली अपडेट बहुत अच्छी अपडेट है, जिसमें युगांडा में जो जितने भी फाइनेंशियल अंडरडॉग्स हैं या जितने भी जो काम करते होंगे फाइनेंशियली मिनिस्टर्स वगैरह, उन्होंने कॉल दिया है गवर्नमेंट को कि वो क्रिप्टो की रेगुलेशन करें और उनको एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए क्रिप्टो करेंसी का अपनी कंट्री में। तो एक बहुत पॉजिटिव नोट में है, क्योंकि आप सबको पता है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन का आजकल बहुत इशू चल रहा है हमारे इंडिया में ही। आप देख लो तो गवर्नमेंट से क्रिप्टो करेंसी अभी तक रेगुलेट हुई नहीं है, वो अलग अलग कमिटीज सेट करते रहते हैं और इसी के कारण मार्केट में फ़र्ड और यूमर्स फैलते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कंट्रीज से कि वो अपना अपना जो क्रिप्टो रेगुलेशन एक बना लें ताकि मार्केट में फ़र्ड फैलना बंद हो जाए। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये भी जल्दी 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 इसको रेगुलेट करें ताकि जो हमारे कंट्री में जो फ़र्ड फैल जाता है उससे हमको एक राहत मिले और मार्केट में कोई पैनिक सेल ऑफ देखने को ना मिले। और अगली न्यूज़ की बात करें, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, जिसमें हमको देखने को मिल रहा है कि इथेरियम की जो वेल्स है, बड़ी बड़ी जिनके वॉलेट्स में इथेरियम पड़ा था, वो नंबर ऑफ डिक्लाइन बहुत मासिव अमाउंट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये आपको पता है करेक्शन भी बहुत बड़ी आई है, मासिव करेक्शन है, तो हमको डिक्लाइन भी बहुत बड़ा देखने को मिला है। अब आप देख सकते हो ये चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ इथेरियम एड्रेसेस होल्डिंग 100+ कॉइन्स, मतलब उनके पास 100 से ज़्यादा इथेरियम है। सो हमको ये देखने को मिल रहा है, ये देखो आप बिल्कुल बॉटम लाइन पे पहुंच गया। अब मैं ये देख रहा था इसका क्या रीज़न रह रहा है। बेसिकली इसका जो रीज़न यही है कि जो हमारी क्रिप्टोज को ब्रॉडर मार्केट में जो स्ट्रगल फेस करने को मिल रही है, जैसे आपको पता है अनसर्टिनिटी
फंड हो गया, जैसे चाइना, बेसिकली हम अगर बात करें तो चाइना की बात हो रही है, जहाँ पे हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक बैन लगा दिया गया क्रिप्टो ट्रेड वगैरह पे। आप क्रिप्टो को होल्ड कर सकते हो बट आप क्रिप्टो को ट्रेड नहीं कर सकते। एंड आई थिंक आज मॉर्निंग में ही वहाँ पे हुआ है कि मैं आगे भी उसको कवर करूँगा, जहाँ हुओबी और BTC.com को वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया। सो एक बहुत फंड वाली चीज़ है, जिससे बहुत बड़े बड़े जितने भी हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी होल्ड की है, वो सारे अपने मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं। एंड ये जो एथीरियम का हमको एक बहुत गंदा डाउन साइड देखने को मिला है, इसका रीज़न ये ज़रूर रहा है कि जो वेल्स हैं उन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट में अपने वॉलेट्स को खाली किया है, 100+ वॉलेट्स को, जिससे हमको ऑल टाइम हाई से इतना गंदा ड्रॉप देखने को मिला। एंड अब अगर एथीरियम को ऊपर जाना है, और वैसे भी बाकी क्रिप्टो करेंसीज को भी ऊपर जाना है, तो उनको बहुत बिग रेडी इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करके इसको अपने वॉलेट्स में होल्ड करें। सो लेट्स सी, जैसे जैसे ये मार्केट में इन्वेस्टर्स आएंगे और जुड़ते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट होती रहेगी और हमको देखने को मिलेगा कि हमको एथेरियम में रिकवरी हो रही है। प्लस आने वाले एथेरियम के इवेंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, प्लस सब लोग वेट कर रहे हैं कि जो एथेरियम का लंदन हार्ड फोर्क हो रहा है उसकी बहुत वेट है, EIP 1559 की। एंड वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये आएगा, इन्वेस्टर्स मार्केट में जुड़ेंगे, तो हमको एक अच्छी रिसाउंडिंग रिकवरी देखने को मिलेगी। एंड अगली न्यूज़ की बात करें, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि चाइना में BTC और हुआबी, BTC.top और हुआबी की जो है बिजनेस ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं। अगर आपको, सबको पता ही होगा, हुआबी तो एक्सचेंज है, बट अगर आपको BTC.top नहीं पता, तो BTC.top एक माइनिंग पूल कंपनी है, जो कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वगैरह आपको पता ही है माइनिंग होती है, एंड जिससे सारे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको फंक्शन होने में स्टेबिलिटी मिलती है, एंड जो अपने प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन सॉल्व होते रहते हैं, एंड ये जो ब्लॉक्स वगैरह सॉल्व होते रहते हैं, इनका जो सिस्टम होता है। सो जो ये माइनिंग वाली कंपनीज है उनको भी बंद कर दिया गया। एंड हमको देखने को ज़रूर मिला, जो चाइना में पीछे पावर आउटेज हुआ है, कल परसों की बात है, जिससे हमको माइनिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिला माइनिंग पावर में, जिससे हमको BTC की प्राइस बहुत नीचे आती हुई दिख गई थी, 33,000 के अराउंड घूम रही थी। एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, तो चाइना कुछ ना कुछ करता ही रहता है कि BTC की प्राइस नीचे रही, क्योंकि उनको BTC पसंद नहीं है। बाकी वी लेट्स होप कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। आई होप चाइना ये जितना भी फंड है इससे सब जल्दी जल्दी रिकवर हो। अब पता नहीं चाइना आगे क्या सोच रहा है, बट येस, क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपग्रेड तो करता रहना पड़ेगा। एंड हाँ, नए माइनिंग पूल ज़रूर होंगे, आई डू थिंक इस्टेब्लिश, क्योंकि चाइना माइनिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था, और एक्सचेंजेस, नो नो डाउट, चाइना इतना बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी बहुत ज़्यादा होती होंगी, तो ज़रूर ये फंड फैलने से बहुत गंदा सेल ऑफ हमको देखने को मिला है। एंड हम फ्यूचर में ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे जैसे इन्वेस्टर्स मार्केट से जुड़ते जाएंगे, हमको क्रिप्टो मार्केट रिकवर होती होती दिखेगी। एंड मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फंड्स और ये जितने भी ट्वीट्स वगैरह होते हैं या मार्केट में अनसर्टेनिटी ग्रीड वगैरह आता है, क्रिप्टो मार्केट इस चीज़ से निकलती है, हमेशा निकलती है, और ये एक पास वेव है जिससे क्रिप्टो मार्केट को निकलना होता है। तो अगर आप इस वेव को सर्वाइव कर जाते हैं तो आप बहुत पीसफुली प्रॉफिट में रह सकते हैं। बट जो लोग इस फंड में बह जाते हैं, वो लोग अपना मार्केट में सेल ऑफ कर देते हैं, लॉसेस में रहते हैं, बहुत गंदे गंदे लॉसेस में, एंड फिर उसके बाद वो लोग हमको कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस से काम लें, आपको ज़रूर क्रिप्टो मार्केट में रिकवरी मिलेगी, एंड यस, प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। एंड अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें, तो ये है कि बैंकिंग सेक्टर है HSBC, उन्होंने बोला है कि अब वो बिटकॉइन के इनटू नहीं है, और वो कंसिडर नहीं करते बिटकॉइन को एज एन एसेट क्लास। और उनका जो एक मेजर रीज़न रहा है कि वो बोल रहे हैं कि वो बिटकॉइन में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये रहा है कि बिटकॉइन की जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, एकदम नीचे चला जाता है, इसलिए उनको वही चीज़ पसंद नहीं है। एंड हमको ये देखने को मिला है कि बैंकिंग सेक्टर में, अगर वही हम गोल्डमैन सैच्स देखें और BNY मेलन देखें, उन्होंने कॉन्ट्रास्ट में दिखाया है कि वो कैसे बिटकॉइन को, गोल्डमैन सैच्स ने तो ये भी बोला है कि एथेरियम बिटकॉइन को बीट कर जाएगा, और वहीं हमको देखने को मिला है HSBC कह रहे हैं कि हम बिटकॉइन में इंटरेस्टेड नहीं है ड्यू टू प्राइस वॉलीटिलिटी। प्राइस वॉलीटिलिटी एक मेजर फैक्टर है जो कि क्रिप्टो मार्केट को बाकी मार्केट से अलग बनाता है, एंड इसी से ज़्यादा लोग प्रॉफिट्स और गेंस वगैरह करते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है इस मार्केट का आगे, लोग क्या इस पर रिमार्क्स वगैरह देते हैं। एंड अगली अगर न्यूज़ की बात करूँ, एक नॉर्मल है जिसमें हमको मैटिक, MKR, HNT1 के प्राइस में स्पाइक्स देखने को मिले हैं, more than 30%, बहुत अच्छे स्पाइक्स देखने को मिले हैं, और मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाऊँ, आप देख सकते हो 19.93% से अप है, एंड आप देख सकते हो मेकर नंबर वन पे है, एंड पॉलीगॉन नंबर दो पे है, OMG नेटवर्क, एंड उसके बाद हार्मनी, टेली, हीलियम, बेकरी टोकन, तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जो यर्न फाइनेंस तो आपको पता ही है कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है, एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, पैनकेक स्वैप, सो सारे प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे पॉजिटिव में जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम कि हमको BTC भी ऊपर जाता हुआ दिखे। BTC लास्ट 1 आवर में 1% डाउन है, बट वी होप कि हमको मार्केट में अगर सेल ऑफ नहीं देखने को मिलता है, एंड अगर ये अपने रेजिस्टेंसेस ब्रेक कर देता है, आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल स्टिक फॉर्म, हल्की सी 4 आवर कैंडल स्टिक यहाँ पे कन्फर्म हुई है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल न्यूट्रल है कैंडल स्टिक, एंड वी होप कि ग्रीन कैंडल स्टिक में फॉर्म हो और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये जल्दी ब्रेक हो, ताकि हमको एक अच्छा अपस्विंग देखने को मिले।
बाकी कोई भी अपडेट होगी हम आपको क्रिप्टो मार्केट की सबसे पहले इस चैनल पर ला के देते हैं। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दो लाइक, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताओ कि क्रिप्टो मार्केट का क्या सीन चल रहा है। एंड यस यार, चैनल पे नए हो, चैनल पे नए आए हो तो चैनल पे आना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स का सबसे पहले पता चले। हम डेली बेसिस पर क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं, क्रिप्टो न्यूज़ आती है और सारे अपडेट्स आते हैं, तो हमको प्लीज़ सब्सक्राइब करके और इस मंथ के एंड तक यार 15K पहुँचा दो, बस इतना कर देना। एंड बाकी यार हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करो। उस पर जो नोटिफिकेशंस नहीं आती, कई बार हम अर्जेंट वीडियोस दे देते हैं जिसकी नोटिफिकेशन नहीं आती, तो वो आपको नोटिफिकेशन देने में हेल्प करेगा। प्लस हम अगर कोई मेजर मार्केट न्यूज़ अपडेट होगी तो हम उसमें डालते रहते हैं, तो उसको भी ज़रूर चैनल को ग्रुप में ज्वाइन करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अपना घर पर ख्याल रखें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।